शादी से पहले आप पति पत्नी की तरह रहते हैं, वो वीडियो और सब है? सब है, सब है मेरे पास। जिस दिन शादी करने के लिए जाते हैं, शादी से पहले इनका सुहागरात मन जाता है। इसका मम्मी पापा ने उसको मारा, बहुत मारा। क्यों? कि तू बच्चा गिरवा दे दूसरे से शादी कराने का, तुम्हारा मेरे को वायरल करो कि आपका मैं बीबी हूँ। वो दूसरा जगह शादी करना चाहता तो मेरे को मर्डर करके फिर दूसरा जगह शादी कर सकता, मेरे रहने पर शादी करेगा तो नहीं हो सकता है। अच्छा। मैं जेल में 10 साल रहूंगा, 20 साल, 25 साल। उस लड़की के लिए जेल में रहने के लिए आप तैयार? हाँ, लड़की को, क्योंकि मेरे को धोखा दिया, बीच रोड पे आके छोड़ा है। मैं कमाने वाला इंसान था, मेरा काम छूट गया, मेरा 25,000 पेमेंट था महीने का, वो काम चला गया, सब नौकरी से निकाल दिया इसके द्वारा। अच्छा, वो लड़की भी यादव ही है क्या? हाँ, यादव ही है। शादी से पहले आप एक साथ सोए उठे? हाँ, एक साथ सोए थे। उसका मम्मी ही सुलाया था, मम्मी और पापा उनका। मेरा, मैं आपका नाम लिखा ब्लेड काट के, तो मेरा नाम भी तू लिख लो। तो एम के नाम कहाँ रखे? इस हाथ पे। अच्छा, उन्हीं लड़की का नाम जो है एम के रखवा है। मुस्कान कुमारी। शादी करके लाए, पहली पत्नी को छोड़ दिए, फिर आप भी तो कहीं ना कहीं गलत हैं, तो आपके साथ गलत हो गया, तो कौन बड़ी बात? मैंने छोड़ा नहीं उसको, उसका मम्मी पापा खुद लेके गया। अभी किसी का 3 लड़की शादी हुआ, चौथा बार देगा, मेरे को बाल बच्चा नहीं हुआ तो उसको कौन रखेगा, बताइए। उसका माँ भी गाली देता था, वो लड़की को सिखाता है उसको गाली देने के लिए। वो लड़की मेरे को गाली दिया है नहीं कभी, उसको सिखाता है गाली देने को। हमारे सामने में जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, शादीशुदा महिला से इनका शादी होता है, और शादी होने के बाद 3 साल तक रखते हैं, और 3 साल भी बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे नहीं होने के बाद इनकी पत्नी वापस चले जाती है, और फिर ये शादी करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, और शादी होते भी नहीं है। और जिस दिन शादी करने के लिए जाते हैं, शादी से पहले इनका सुहागरात मन जाता है, जिसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और शादी भी नहीं होते हैं, और दर दर की ये ठोकरे खा रहे हैं कि हम करेंगे तो उसी के साथ शादी करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं उस लड़की के नाम जो है वो टैटू सब भी लिखवाए हैं एमके करके। चलिए इस स्पिरिट से बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं, आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव। क्या हुआ है आपके साथ? पहले शादी हुआ था मेरा, मेरा पहले शादी हुआ था 2-3 साल पहले। दो तीन साल हुआ था शादी को, बाद में उसको मेरे को मालूम पड़ा इसको बच्चा नहीं होने वाला है, तो मैंने उसको ना उसका घर वाला बोला, इससे मैं आ नहीं रहा था बम्बई से रिटर्न 2-3 साल होने के बाद भी, तो उसका घर वाला बोला इससे रिश्ता नहीं रखने का है, वो अपना बेटी को रिटर्न लेके चला गया। उसका पैसा जो था पैसा दे दिया, गाड़ी था गाड़ी मैंने दे दिया सब उसका रिटर्न। पहली पत्नी में? पहले पैसे में। कितना दिन उस पहली पत्नी को रखे? 3-4 साल था, लमसम 3 साल था। 3 साल तक अपनी पहली पत्नी को? हाँ, रखे पहले रखे थे, फिर उसके साथ मैंने क्या किया, उसके साथ मैं बम्बई चला गया, दो साल नहीं आया। तो 2 साल नहीं, घर पहली पत्नी को घर पे छोड़ करके आप बम्बई चले गए 2-3 साल? हाँ, 2-3 साल चले गए थे, फिर उसके बाद आने लगे। मैं इधर बम्बई रिटर्न आया तो उसका मम्मी पापा उससे बोला कि मैं इसकी रिश्ता नहीं रखूंगा, फिर उसने अपना बेटी को सामान तमान वापस लेके गाड़ी ताड़ी लेके चला गया। तो गाड़ी लेके चला गया, सब लेके चला गया, तो उसका पैसा भी मैंने 30,000 रिटर्न कर दिया, गाड़ी भी उसका मैंने रिटर्न किया, उसका कुछ भी मेरे पास बाकी नहीं रहा। फिर एक अगवा था, उसने शादी करवाने के लिए भद्दी लेके मधेपुरा लेके गया। अच्छा, पहली पत्नी में 3 साल आप जैसे कि शादी का हुआ, 3 साल में बच्चे उच्चे भी नहीं हुए? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उसका होने वाला ही नहीं था। पहले उसका दूसरा शादी था, मेरे से तीसरा शादी हुआ था। अच्छा, मतलब कि उस जिस लड़की से आपका शादी हुआ था पहली पत्नी में, वो पहली पत्नी की 2 शादी और हो चुका था, तीसरा शादी था मेरा, तो मैंने उसके लिए छोड़ दिया उनको। तो मैं क्या किया, फिर उसे का गवा था, उसने मधेपुरा में लड़की दिखवाया, तो लड़की उधर से ही फोन किया था मेरे को बात करने के लिए मेरे से। तो मैं बात करते करते उसने फिर 10 दिन के बाद घर पे बुलाया, साथ में सुलाया, खाना पीना खिलाया, फिर उसके बाद घर पे सुलाया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर मेरे को फिर घर पे बुलाया। दूसरा बार गया तो मेरे को 2 दिन के बाद फोन करके बोलता है मैं प्रेग्नेंट हो गया। तो मैं बोला, शादी से पहले आप एक साथ सोए उठे? हाँ, एक साथ सोए थे। उसका मम्मी ही सुलाया था, मम्मी और पापा उनका। तो फिर मैं घर पे चला गया, तो उसके बाद फिर दोबारा बुलाया, तो फिर घर पे ही सुलवाया था, तो बच्चा होने फिर उसको प्रेग्नेंट हो गया दूसरा बार में। फिर 3 महीने के बाद उसने बोला बच्चा, मम्मी बोलता बच्चा गिरवा दे, मैं बोला नहीं, बच्चा रहने दे, अभी शादी करने वाला ही हूँ, बच्चा रहेगा तो अच्छा रहेगा, शादी हो जाएगा हम लोग का। तो लड़की बोला ठीक है, लड़की को जबरदस्ती मार पीट के साथ बच्चा गिरवाया, बच्चा गिरवाया। तो लड़की मेरे को बोलता बच्चों, मेरे को नहीं बताया बाद में, 1 महीना के बाद उसने बतवाया कि मैंने बच्चा गिरवा दिया। बोला ठीक है गिरवा दे, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, फिर शादी करने का है कि नहीं करने का? लड़की बोला हाँ, आपके साथ ही शादी करूंगा, मेरा नाम लिख लो एम के। तो मैंने नाम लिखवाया। एम के नाम कहाँ रखे? इस हाथ पे। अच्छा, उन्हीं लड़की का नाम जो है एम के रखवाया? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी है। तो मेरे उसने बोला कि फिर कैसा शादी करेगा, मम्मी पापा रेडी नहीं है? उसने बोला मैं आपके साथ में भाग जाऊंगा, आप आओ बम्बई से रिटर्न, मैं आपके साथ भाग जाऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या किया, 2 महीना नहीं आया, 3रा महीना में जाके ट्रेन पकड़ा मैंने,
उससे पहले ही बोलता था आजा आजा आजा, नहीं आया मैंने तो उसने मेरे को बोला आधा, मैं बोला आधार कार्ड उम्र बढ़ा लो, आधार कार्ड पे 14 साल एज है। तो उसने किसी के मोबाइल से फोटो भेजा मेरे को, बोला बढ़ाने के लिए आधार कार्ड का। मैं बोला ठीक है मैं बढ़वा दूंगा। तो मैं गया आधार कार्ड बढ़वाने बोलने के लिए, तो बोला कि प्रिंट हाथ का ये लगेगा, प्रिंट लगेगा तभी होगा। मैं उसको फोन पे बोल दिया ऐसा ऐसा करने, वो बोला ठीक है मैं कर लूंगा अपना खुद कर लूंगा। मैंने उसने आधार कार्ड फोटो भी भेजा अपना, तो फोटो भेजा तो मैंने ठीक है फोटो अच्छा है तुम्हारा, तो अभी क्या करने का बोलते हैं शादी करने का आपसे। मैंने ठीक है शादी कर लेते हम लोग। तो उसने बोल जबरदस्त पीछा पड़ गया, एक महीना मैं मोबाइल बंद किया, उसका नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया। ये फिर जैसे इसके मोबाइल से, चाची के मोबाइल से, उसके मोबाइल से फ़ोन को करना चालू कर दिया, मतलब 10 नंबर से फ़ोन करता था। तो मैंने ठीक है मैं बम्बे आता, तुमको भागने का है तो भाग जा मेरे साथ, शादी कर लेते कोर्ट मैरिज। वो बोला ठीक है आप आ जाओ। तभी तक लड़की प्रेग्नेंट ही थी, प्रेगनेंट थी तब तक, प्रेगनेंट थी। जब मैं ट्रेन पकड़ा ना, ट्रेन पकड़ने के बाद उसने बोला मेरे को मैं बच्चा गिरवा दिया। मैंने ठीक है गिरवा दिया तो ऐसा कुछ क्यों, नहीं क्यों इस प्रकार किया? उसका मम्मी पापा ने उसको मारा, बहुत मारा। क्यों? कि तू बच्चा गिरवा दे दूसरे से शादी कराने का तुम्हारा। फिर उसका ना एक दूसरा आदमी था, उसका दूसरी जगह लगा दिया शादी। 17 तारीख उसका शादी होने था तो लड़की नहीं किया, उसको बहुत मारा। बोला नहीं मैं उससे अरुण के साथ ही शादी करूंगा। उसका मम्मी पापा बोलता नहीं नहीं उससे नहीं करूंगा शादी, दूसरे गांव में शादी करूंगा। तो लड़की बोला ठीक, लड़की कुछ नहीं बोला, बोला मैं शादी अभी नहीं करूंगा 2 साल ऐसा बोल के छोड़ दिया उसने। फिर अभी तक उसने शादी नहीं किया। फिर मेरे को उसने बम्बई रिटर्न बुलाया, 19 तारीख को मैं आया तो 20 को भागने को फिराक में था वो लड़की। तो 20 तारीख को फिराक में भागने में था तो मैं उसको बोला कि ठीक है। तो 20 तारीख उसने क्या किया, मोबाइल ही बंद कर लिया। मैं उधर गाड़ी लेके गया, सब लेके गया, 5-6 जन गया, खर्चा भी हुआ 30-35 हज़ार रुपये। तो मैंने बोला ठीक है तुम वो क्या कर। फिर उसने बोला मोबाइल दे दो, मैंने एक मोबाइल दे दिया उसको छोटा पीस बात करने को। तो मोबाइल दिया उसने, फिर क्या किया उसने किसी और दूसरे को फ़ोन लगा दिया था उसने। तो मैं उसको मोबाइल को चूर दिया, बोला तू दूसरे से ही बात कर। तो मैं मोबाइल चूर दिया, फिर इसके मोबाइल से उसके मोबाइल से फ़ोन करना चालू कर दिया। फिर मेरे से गलती हो गया, आज से मैं ये नहीं करूँगा। मैं बोला ठीक है। फिर तो 20 तारीख को रेडी हो गया भागने को, तो मैं गया गाय तारी लगाया उसके घर के सामने, मोबाइल ही बंद कर लिया स्विच ऑफ। 27 तारीख को खोला ही नहीं, 28 को मैंने उसके दूसरे के नंबर पे फ़ोन किया, बोला था ऐसा ऐसा, बोलता मैं उससे ही शादी करूँगा, ऐसा ही उसी बोल रहा है 1.5 महीने से ऐसा ही बोल रहा है, शादी करूँगा। गाँव में घेर के रखा है मेरे को, इसके लिए मेरे को आज गुस्सा आया आपके पास आया मैंने। आप करते क्या है? मैं वाटर का काम करता हूँ बम्बई में, नवी बम्बई वासी। अच्छा अच्छा, आप बाहर में रहकर कमाते हैं। अच्छा, आप पहली पत्नी से दूसरी पत्नी करने के लिए गए और इस प्रकार आपके साथ हुआ, तो इस सब के पीछे ये जो कर रहे हैं आपके साथ, उनके माता पिता अचानक शादी के बहाने आपको शादी से पहले साथ में सुला भी दिए अपनी बच्ची को, इस प्रकार आप मतलब कि वो उनके परिवार वाले किए शादी करने के लिए, जब आप शादी करने के लिए राजी नहीं मतलब शादी करने के लिए आप राजी हो गए, तब वो उस परिवार जो है वो पीछा मोड़ लिए। हाँ, तो क्यों इस प्रकार किए, कुछ आइडिया है? अभी उसके दूसरे, अभी कोई उसको कुछ दूसरे ने सिखाया ऐसा है, दूसरा उसका जो जीजा है ना, बड़ा वाला जीजा, उसने कुछ बोला इसको, इससे शादी मत करो। हाँ, इसके लिए उसने ऐसा बोला। हाँ, इसके लिए उसका मम्मी पीछा, मम्मी और उसका पिताजी पीछे हो गए। अच्छा हाँ, अच्छा, आप अभी जो है उस लड़की से शादी करना चाहते हैं या मतलब कि क्या क्या प्लान? लड़की से ही शादी करना चाहिए, कैसा भी करो। हाँ, वो दूसरा जगह शादी करना चाहता तो मेरे को मर्डर करके फिर दूसरा जगह शादी कर सकता, मेरे रहने पर शादी करेगा तो नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ, मतलब कि आप जो है कहीं ना कहीं रास्ते का कांटा बन चुके हैं क्या? हाँ, उसके साथ ही ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ उसने ये किया, व्यवहार किया, गलत किया, मेरा पूरा काम चला गया। अभी तो किसी के साथ गलत किए, आप भी शादी करके लाए, पहली पत्नी को छोड़ दिए, फिर आप भी तो कहीं ना कहीं गलत हैं, तो आपके साथ गलत हो गया तो कौन बड़ी बात? मैंने छोड़ा नहीं उसको, उसका मम्मी पापा खुद लेके गया। अभी किसी का 3 लड़की शादी हुआ, 4th बार देगा, मेरे को बाल बच्चा नहीं हुआ तो उसको कौन रखेगा बताइए? मेरा घर है, जमीन है, जगह है, कौन खाएगा? वो मेरा माँ ये सब है घर में, माँ भाई है, बहन है, भौजाई है, सब माँ है, पिता। अभी लड़के लड़कियाँ तो करते हैं, 2-3 शादी करते हैं, अभी कहीं और शादी कर लीजिए। मैं उसके उसने मेरे को क्यों बुलवाया, बुलाने का ही नहीं था कि मैं शादी नहीं करूँ, मैं तो छोड़ दिया था उसका पीछा, मैं शादी करूँगा इन्हें तो भी। आप जब शादी करके आप पहली पत्नी को आप भगा देते हैं, तो शादी से पहले आप पति पत्नी की तरह रह लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गया? आप भी कहीं और जगह शादी कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, मैंने उसको देखा भी नहीं था, जिसने दिखवाया मेले वाला पत्नी का ऐसा हुआ, उसका घर वाला जबरदस्ती लेके गया, दूसरा वाला उसका दूसरा घर वाला उसका दूसरा शादी हो चुका है, तभी मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। किसका दूसरा शादी हो चुका है? लड़की का भी कहीं एक जगह पहले शादी हो चुका था? हाँ, नहीं नहीं उसका नहीं हुआ था, अभी जो मैं जिसको छोड़ा हूँ उसका शादी हो चुका है। अच्छा हाँ,
इसी वजह से आप उनको छोड़ दिए थे? हाँ, नहीं नहीं, अभी जो लड़की शादी हुआ है उसका शादी हो चुका है, अभी जो मेरे सिस्को छोड़ा है ना उसने दूसरी जगह शादी कर चुका है। अच्छा, तो मैं भी अभी शादी कर चुका, उसको छोड़ा नहीं था मैंने। अच्छा, ये देख सकते हैं ये इंसान जो है ना घर के हैं ना घाट के, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं पहली पत्नी को छोड़ने के बाद पहली पत्नी कहीं और शादी रचा लेते हैं, और जहाँ पे ये शादी करने के लिए जाते हैं शादी से पहले एकदम पति पत्नी की तरह रहते हैं, और माता पिता के दिमाग में ऐसा क्या कीड़ा काटता है कि इस लड़का से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, और ये लड़का अड़े हुए हैं कि हम शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ शादी करेंगे जिसकी एज जो है 14-15 साल हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके नाम पे जो है MK करके टैटू भी लिखवाए हैं कि हम जब भी शादी करेंगे तो उसी लड़की से, ऐसा आप क्यों प्रण लिए हुए हैं? मैं करूँगा तो उससे ही शादी करूँगा, उस दूसरी लड़की से करूँगा नहीं, उसको एक ही उदाहरण है, या मेरे को गोली मार दे अपना दूसरा शादी कर ले, मेरे रहने पर वो शादी कर ही नहीं सकता है, किधर भी वो शादी करेगा मेरे को मालूम पड़ेगा, उधर जाके मैं उसको मार दूंगा। किसको? जो लड़का उससे शादी करेगा आप उसको टपका दीजिए। मैं लड़की को मारूंगा, लड़की से मेरे को नहीं, उसका माँ बाप से नहीं मतलब, मैं लड़की से सिर्फ मतलब है मेरे को। तो खुलेआम चैलेंज हो गया, आप गिरफ्तार भी हो जाएगा, मैं जेल में सर जाऊंगा, मंजूर है। मैं जेल में 10 साल रहूंगा, 20 साल 25 साल उस लड़की के लिए जेल में रहने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, उसके सिवा दूसरे के लिए नहीं। अच्छा, दूसरे से मेरे को दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं है मेरे को। ऐसे में तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है ना बाद में, फिर दिक्कत होगा देखा जाएगा, अभी जेल में रहेगा तो जेल में भी तो रहने के बाहर रहने का कोई फायदा नहीं, वो लड़की को क्योंकि मेरे को धोखा दिया, बीच रोड पे आके छोड़ा है, मैं कमाने वाला इंसान था, मेरा काम छूट गया, मेरा 25,000 पेमेंट था महीने का, वो काम चला गया, सब नौकरी से निकाल दिया इसके द्वारा। पहले भी 2 महीना रोका, आज शादी करते कल शादी करते नहीं किया, फिर मैं बम्बई गया नया जॉब पे लगा, वो भी जॉब छोड़ दिया, आ जाओ शादी करने का, मेरा नौकरी तो चला गया ना, अभी मेरे घर से रूम भाड़ा भर रहा हूँ 10,000। क्या नाम था लड़की का? मुस्कान कुमारी, पिता का नाम मिथिलेश यादव। हाँ, आप ये बात बताइए, उनके माता पिता से आप संपर्क करने का प्रयास किए? उसका मम्मी पापा बात किए हैं, तो उसका मम्मी पापा गाली देता है, क्या मोबाइल पे फोन मत करो। हाँ, उसका माँ भी गाली देता था, वो लड़की को सिखाता है उसको गाली देने के लिए, वो लड़की मेरे को गाली दिया है नहीं कभी, उसको सिखाता है गाली देने को। लड़की गाली देती है? नहीं, गाली नहीं देता है लड़की। अच्छा, एक बार गाली दिया था मैंने उसको, मैं बोला गाली क्यों देता, बोलता मेरा मम्मी पापा ने बोलता उसको गाली दे, बोल मेरे मोबाइल फोन करने, उसको बहुत मारता है, तभी वो बोलता जाके कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, फोटो है, सब है, जो सोया है वो भी फोटो है, वीडियो है, सब मेरे पास है। अच्छा, पति शादी से पहले आप पति पत्नी की तरह रहते हैं, वो वीडियो और सब है? सब है, सब है मेरे पास। अच्छा, सब है मेरे पास, उसने बोला मेरा फोटो फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो। अच्छा, लड़की आपको बोले कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालो और हमको वायरल करो? हाँ, मेरे को वायरल करो कि आपका मैं बीबी हूँ, मेरा घर वाला सब देखना चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन सब। हाँ, अच्छा, ये देख सकते हैं प्यार मोहब्बत इक्स तीनों चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं इनके पीछे जो है वो छुपा हुआ है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस अरुण कुमार यादव के बारे में? अच्छा, वो लड़की भी यादव ही है क्या? हाँ, यादव ही है। यादव ही है। अच्छा, यादव ही सेम कास्ट में? हाँ, सेम कास्ट का है। अच्छा, ये मान लीजिए प्यार, ये टैटू उटू कब लिखवा लिए, मतलब कि ये इतना गहरा दोस्ती कैसे हो? अभी मैं गाँव आने के बाद मैं सिंह सब मिला था ना, उसने मेरे को फ़ोन किया था, उसने मिला मैं आपका नाम लिखा ब्लेड काट के, तो मेरा नाम भी तू लिख लो, तो मैं ब्लेड से नहीं काटा, मैंने टैटू से टैटू बना लिया उसके नाम। अच्छा, वो लड़की भी अपने हाथ पे मतलब कि आपका अरुण कुमार नाम लिख लिया? हाँ, एक के लिखा है, मतलब अरुण कुमार। अच्छा, बिलेट से? हाँ। अच्छा, मैं देखा नहीं, उसने लड़की खुद बोला मेरे को, उसने भी खुद बोला कि मेरे आपका नाम मैं हाथ पे लिखवाया हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है उस लड़की से शादी करने के लिए किस प्रकार परेशान है कि हम शादी करेंगे तो उस लड़की से शादी करेंगे, अगर उस रास्ते शादी करने के लिए इतना मतलब कि उतावला है कि अगर जो भी उस लड़की से शादी करेंगे उसको उससे शादी करने के लिए पहले इसको जो है झेलना पड़ेगा क्या? ये तो है, जो शादी करेगा उससे मेरे से उसको झेलना पड़ेगा, मेरे को मालूम पड़ गया, आज नहीं कल मालूम पड़ेगा ही उधर का, तो मैं उसको देखना नहीं चाहूँगा उससे शादी जो किया है। मैं यही कहना चाहूँगा अगर कहीं ना कहीं माता पिता आप उनके देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है शादी करने के लिए, हालांकि लड़की से भी हम बात नहीं किए हैं, लड़की से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, इसका पार्ट टू जरूर आएगा, और उस वीडियो में देखिएगा क्या कुछ लड़की कहना चाहती है, ये भैया क्या बोल रहे हैं, ये मुझे
पता नहीं सच्चाई है या झूठ है। अच्छा, यह जो आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसी लड़की पे लगा रहे हैं, किसी माता पिता पे लगा रहे हैं, ये किसी के दबाव में आके तो नहीं लगा रहे हैं ना? उसका दबाव में कोई बात ही नहीं है, मेरे को मालूम भी नहीं था जो उसका दूसरा ना। आप जो अभी बयान दिए हैं इस प्रकार, क्योंकि किसी के दबाव में नहीं, नहीं सर, क्या होता है मतलब ये आपकी सच्ची घटना है, सच्ची आपके साथ। उसका घर में आधा गाँव जानता था कि इसका जमाई होने वाला है। आधा गांव जानता था, मतलब पूरा गांव जानता था कि इसका जमा होने वाला है। अभी घर में कोई जाएगा, एक दिन जाएगा, दो दिन जाएगा, तीन दिन जाएगा, चार दिन जाएगा, पांचवा दिन तो मालूम पड़ेगा ना इंसान को, कौन आता है डेली का। तो उसको बोलता था मेरा दामाद होने वाला है, दामाद होने वाला है, दामाद होने वाला है। हाँ अच्छा, अभी जो आप पूरा बयान दिए हैं, किसी के दबाव में आके तो नहीं बोले? नहीं, किसी का अपना सर घटना घटा, इसके लिए आपको आके बोले ना, नहीं तो मेरे को क्या जरूरत था घटना मीडिया माने का। बिल्कुल। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत समय के साथ में। आप सुविधा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।